के साथ। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा एवं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा ने आज रविवार को पत्रकार भवन में पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी पिछड़ों को धोखा देकर उनका शोषण कर रही है और अपमान भी कर रही है। कांग्रेस शोषित वंचित पिछड़ों के साथ ही हर वर्ग के लोगों को सम्मान एवं भागीदारी देकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है। पार्टी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जन मुद्दों पर सीधा संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को सशक्त राजनीतिक विकल्प देकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय नौकरियों को ठेके पर देकर बेरोजगार नवयुवकों को धोखा दिया है। सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, जिसके चलते देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान बदहाल है, कानून व्यवस्था बदतर और महंगाई चरम पर है, रोजगार और व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सरकार सिर्फ झूठे वादे और घोषणा करके जनता को धोखा दे रही है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का शोषण और अपमान कर रही है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों को और हर वर्ग के लोगों को समुचित सम्मान और भागीदारी दे करके उन्हें समाज और राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ रही है। इसी क्रम में आज विश्वकर्मा समाज से नंदलाल विश्वकर्मा को कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। सच के साथ।